हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डे 21 नीट डायरेक्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम में रिलैक्सेशन हम लोग कर रहे हैं। तो बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर पार्ट वन, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बच्चों, ये पार्ट टू है ना बच्चों। तो पार्ट टू में बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 8.3। तो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि यूजिंग द स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये दिया है, टाइटेनियम है, एफ ई ओ है, एफ ई टू ओ थ्री है, सी यू आई है, सी ओ, एम एन ओ, एम एन ओ टू। तो बच्चों, हमें इसमें निकालना है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमें क्या करना है इसमें जो है, हाँ तो बच्चों, हम ये करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टॉक नोटेशन, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा, इसे सॉल्व करते हैं। इसे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग इसमें हम कर सकते हैं बेटा, इसमें हम यूज करेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टॉक नोटेशन द ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट। ये हम ये करना ये चाहता है कि अकॉर्डिंग टू स्टॉक नोटेशन द ऑक्सीडेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग द रोमन नंबर एंड न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, हम कैसे बच्चों करते हैं, रोमन नंबर के थ्रू करना है रिप्रेजेंट इसे। तो चलिए, हम बल्ले समझते हैं अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग तो बच्चों होगा अकॉर्डिंग टू स्टॉक नोटेशन, अकॉर्डिंग टू स्टॉक नोटेशन, अकॉर्डिंग टू स्टॉक बच्चों नोटेशन में हो जाएगा द ऑक्सीडेशन नंबर एक्सप्रेस्ड, द ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों हो जाएगा एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग द रोमन नंबर, बाय पुटिंग द रोमन नंबर, है ना बच्चों। बाय पुटिंग द, हम रोमन नंबर से करेंगे, रोमन नंबर न्यूमेरिकल, ये होगा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटिंग, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर इन इन बेटा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, इन आफ्टर द सिंबल बच्चों, लुकिंग आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड मॉलिक्यूलर बच्चों हो जाएगा फार्मूला। चलिए बच्चों, सबका हम सेपरेट निकालते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। पहले बेटा ये हो जाएगा आपका पहले नंबर पर एच ए यू, अब बच्चों ये है सी एल फोर माइनस, है ना बेटा। तो ये सी एल पे हो जाएगा माइनस और एच पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन पे प्लस, और ए यू को हमने मान लिया, मान लीजिए एक्स, ठीक है बच्चों। अब चलिए बेटा इसका निकालते हैं। तो बच्चों हमने ले लिया, ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा बेटा प्लस एक्स ए यू का, अब प्लस बेटा हो जाएगा इसका हम निकालेंगे माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो। तो प्लस वन प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस थ्री, एंड x पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, ये आ गई प्लस थ्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है इसका AU का, तो ये लिखेंगे H A U, है ना बच्चों। आइए बच्चों, प्लस थ्री है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे इंडिकेट करेंगे रोमन नंबर में, ब्रेकेट में हमने कर दिया थर्ड, क्या कर दिया थर्ड, ठीक है ना बेटा। ये बच्चों हमने कर दिया थर्ड, उसके बाद बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सी एल फोर, एंड दिस इज द स्टॉक नोटेशन। अब इसी तरह हम सब में करते चले जाएंगे, इसे बोलते हैं दिस द स्टॉक नोटेशन, दिस हम कह सकते हैं द स्टॉक नोटेशन आप हम कह सकते हैं एच ए यू सी एल, ये थर्ड कह दें एच यू सी एल फोर,
ठीक है ना बच्चों। तो ये इसी तरह सारे को हम क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों ये सेकंड पे आते हैं बेटा, सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड पे दिया है टाइटेनियम ऑक्साइड, है ना बच्चों। क्या दिया है बेटा, टाइटेनियम दिया है बच्चों, ये दिया है ऑक्साइड। तो बच्चों ऑक्सीजन का तो होता है माइनस टू, इसका क्या होता है एक्स होता है ना बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पर ले लेंगे टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा वन। एंड इस पर कितनी आ जाएगा, इस पर कितना आ जाएगा ऑक्सीजन में, इसका कितना आ जाएगा बेटा प्लस वन। तो यहाँ बच्चों हम कैसे लिखेंगे, स्टॉक नोटेशन में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक नोटेशन में टी, टी हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों आई टू, ये हो जाएगा बच्चों, ये देखिए ऑक्सीजन में प्लस वन आया है यहाँ बेटा। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे स्टॉक लगा दिया, ये रोमन नंबर आइए बेटा, हमने इसे लिया, ये हो गया बेटा, इसको कहेंगे दिस इज द स्टॉक नोटेशन। ये क्या है, दिस इज द स्टॉक नोटेशन, दिस इज द स्टॉक नोटेशन, दिस द इसे लिख लेंगे दिस द स्टॉक नोटेशन, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह हम सरा करते जाएंगे ना बेटा। अब आते हैं बच्चों ये दिया एफ ई, थर्ड आते हैं बेटा, हम लिखते हैं यहाँ पे थर्ड क्या दे रहा है एफ ई ओ, इसका माइनस टू हो जाता है, इसका प्लस टू हो जाएगा, तो ये भी फेरस ऑक्साइड है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसे, स्टॉक नोटेशन लिखेंगे एफ ई बेटा, लिखेंगे सेकंड बच्चों ये। अब आते हैं बेटा फोर्थ आते हैं, फोर्थ में क्या करा है एफ ई टू, ये बच्चों का रहा है ओ थ्री, तो इसे बेटा मानेंगे एक्स, इसे बच्चों मानेंगे माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों टू एक्स, ये हो जाएगा एफ ई टू, तो टू एक्स ये हो जाएगा माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू, ओवरऑल चार जीरो है तो जीरो मान लिया, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू सीधे आ जाएगा थ्री, यानी टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स है। तो ये बच्चों हम इसको करेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ ई, देखिए बेटा रोमन नंबर थर्ड, ये बच्चों क्या हो गया बेटा ओ, इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे एफ ई टू, ये बेटा हम इसे क्या करेंगे बच्चों ऐसे ही बेटा हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, ये उतरी है ना, ये बेटा ये कर लेंगे ऐसे बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये है ये सी यू आई, फिफ्थ है बेटा, ये क्या है सी यू, और ये बेटा दिया है आई आईडेट, ये बेटा हो जाएगा प्लस वन, इसका बच्चों होता है माइनस वन। तो इसको बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सी यू ये रोमन नंबर हो गया, अब बेटा ये आई के हो गया। इसी तरह बच्चों ये फिफ्थ है, इसको सी यू ओ लिया है, इस कापर को प्लस टू करेंगे बेटा, इसे माइनस करेंगे, तीसरे रोमन नंबर में क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे टू, ये बेटा ओ हो गया, इसलिए 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 बेटा ये हो गया आपका ये एम एन ओ, अब बेटा हो जाएगा ये प्लस टू, ये हो जाएगा बेटा माइनस टू, इसे रोमन नंबर बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे एम एन, इसे बच्चों करेंगे रिप्रेजेंट ये हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से बेटा ये एर्थ लेते हैं, ये इसको बेटा भी ऐसे ही करेंगे बच्चों, इसको भी देखिए हम ऐसे ही करेंगे, हमने ले लिया एम एन ओ टू ले लिया, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करिए एक्स, इसको किया बच्चों बच्चों रिप्रेजेंट किया माइनस टू, तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस टू इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस फोर। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे करेंगे एम आई भी, ये रोमन नंबर हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा वो टू। तो इस तरह से ये बेटा ये क्वेश्चन हमने इसको कम्प्लीट किया, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम आते हैं यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर, अब प्रॉब्लम नंबर बेटा हम आते हैं 8.5, ठीक है ना बच्चों। तो हम प्रॉब्लम नंबर 8.5 आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8.5 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस एंड व्हाई। तो ये कह रहा है कि कौन से ऐसे हैं जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस शो नहीं करते। तो सबसे पहले बात ये है बच्चों, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है दोनों होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन, यानी हम कह सकते हैं डिस
डिसपोजिशन रिएक्शन में बेटा दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है बेटा, हम कह सकते हैं बच्चों ये रिडक्शन भी होता है, दोनों चीज़ें एक साथ होती है ना बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब चलिए बच्चों आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे चेक करते हैं, अब दिया जैसे Cl4 दिया है, तो Cl4 में क्या करते हैं बच्चों, जैसे Cl O, ये बेटा आपका दिया है Cl O4-, ठीक है ना बच्चों, तो इसका हमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा X-8 = क्या हो जाएगा, ये बेटा माइनस चार्ज है ना, तो ये हो जाएगा बेटा -1 के, तो X = हो जाएगा -1 + 8, X = हो जाएगा बेटा +7। अच्छा इसमें क्लोरीन क्या है, -1 से 7 तक वेरी करता है, इसमें क्लोरीन क्या करता है -1 से लेके -2 से लेके +7 तक क्या करता है बच्चों, वेरी होता है, ठीक है ना, करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। अब आते हैं बच्चों Cl4 डज नॉट शो द डिसपर्पस रिएक्शन, हम कह सकते हैं कि Cl4 डज नॉट शो द डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी ये डिस जो होता है बेटा बच्चों, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बेटा ये शो बेटा नहीं करता है, ठीक है ना, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो ये नहीं करता है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, हम आते हैं दूसरा, ये ClO2 है ना बच्चों, अभी आते हैं बच्चों ClO2 हमने लिया यहाँ पे ClO2-, ये बच्चों है ClO3-, ये बच्चों है 2Cl, ये बच्चों ये बैलेंस करते हैं तो यहाँ 6 हो गया ना बेटा, तो ये बच्चों Cl, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, ये +3 हो रहा है, राइट, और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये +5 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कैसे हमने निकाला, यहाँ हमने एक्स माना इसको, तो इसको हमने एक्स माना, तो ये बेटा हो जाएगा X-4 = चार्ज कितना है -1, तो बेटा हो जाएगा -1, तो X-, तो ये बेटा आ जाएगा सीधे X = 3, तो ये बेटा यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, Cl की वैल्यू आपकी +5 है, तो यहाँ +3 से +5 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब फिर यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से बच्चों हम यहाँ आएंगे बेटा, ये -1 है, यहाँ बेटा क्या हो रहा है, इसी में क्या हो रहा है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ठीक है ना बेटा, तो बच्चों यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, हम ले लेते हैं ClO3- Cl- प्लस ClO4-, ये हमने 4 से लिया, यहाँ पे हमने मान लिया ये +5 आ गया है बच्चा हमने, और बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, यहाँ -1 हो गया बेटा, यहाँ बच्चों हो गया +7 है ना बच्चों, तो ये +5 से क्या हो रहा है, ये -1, तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें देखिए सब शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है क्या, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अच्छा यहाँ भी बेटा देखिए Cl क्या हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ये यहाँ आपका हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +7 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा बेटा ये हो गया आपका। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे 3ClO, ये हमने ले लिया बेटा ClO, ये बेटा हो गया +1, बेटा यहाँ पे -1 है बेटा, तो ये हो गया Cl- बच्चों हो जाएगा ClO3-, तो बच्चों यहाँ पे आया ऑक्सीडेशन नंबर 5, यहाँ बच्चों आया है -1 बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर Cl का है क्लोरीन का, यहाँ बच्चों हो गया +1, तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि +1 से -1 हो रहा है, +1 से -1, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ हो गया रिडक्शन। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पॉजिटिव नंबर प्लस वन से फाइव हो रहा है, यानी प्लस वन से बेटा ये फाइव जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है ना बेटा। इस तरह से ये क्या करें, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बच्चों शो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन कर रहा है 8.8, ये कह रहा है राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2 7 सोडियम सल्फाइड एंड Na2SO3 एन एसिड सॉल्यूशन टू गिव द क्रोमियम थर्ड एंड इट्स सल्फेट आयन। ठीक है ना बच्चों, चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए सबसे पहले बच्चों इसको हम लिखते हैं इस इक्वेशन को बेटा। तो ये बेटा सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंबल फॉर्म में, तो बच्चों ये हम आयनिक इक्वेशन है, ये आपका ये है हमें आयनिक इक्वेशन है ना बच्चों। ये कह रहा है Cr2O7 2 माइनस, ये बच्चों क्या है एक्वस है ना बेटा। फिर हमने लिया बच्चों यहाँ पे SO3 2 माइनस, यहाँ बच्चों क्या है एक्वस है, ये बच्चों हो गया बन गया बेटा Cr बच्चों 3 प्लस, ये हो गया एक्वस, ये बच्चों हो गया SO4 2 माइनस, ये हो गया बच्चों एक बस। ठीक है ना, अब बच्चों ये कह रहा है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द क्रोमियम एंड किसका लेना है बेटा हमें, सल्फर का। तो चलिए बेटे सबसे पहले हमें साइन करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसका लेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम एंड सल्फर का हम क्या करते हैं साइन करते हैं, क्रोमियम एंड सल्फर का। ठीक है बेटा, अब आते हैं देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने बच्चों लिया यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, प्लस बच्चों लिया हमने SO3 2 माइनस, ये बच्चों हमने ले लिया Cr, आइए बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे Cr क्या है बच्चों, यहाँ पे Cr3 प्लस है ना बेटा, 3 प्लस है बेटा, यहाँ पे हमने लिया SO4 बच्चों हो गया ये 2 माइनस के। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालते हैं तो बेटा ये आता है बेटा +6 आ जाएगा यहाँ पे, ये बच्चों इसका होता है -2 हो जाता है ना। अब बच्चों हम इसे निकाल लेते हैं, देखिए जैसे किसे निकालते हैं, ये हमने x मान लिया था ना बेटा यहाँ पे, तो मान लीजिए बेटा हमने x मान लिया था तो ये मानेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब ये कहते हैं बेटा स्टेप कैलकुलेट द इंक्रीज डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर स्टेप बाई 2। अब यहाँ बच्चों देखिए क्या हो रहा है, स्टेप इसमें जो है बच्चों, तो बच्चों में इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे बेटा सबका। तो बच्चों यहाँ पे जो सल्फर का हो जाएगा बेटा, ये बेटा -2 हो गया, अब बच्चों सल्फर का निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे +4 आ जाएगा बेटा, ये ऑक्सीजन का -2 आपको पहले से पता है ना बच्चों, ये बेटा +3 है, ये बच्चों यहाँ पे हमने निकाला SO4, तो बेटा यहाँ पे +6 हो जाएगा सल्फर का, बेटा यहाँ पे हो जाएगा -2 किसका, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना बच्चों। अब यहाँ पे करते हैं कि एक फर्द रिएक्शन क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे रिएक्शन क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं ये एसिडिक मीडियम है ना बेटा, एसिडिक मीडियम है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे चार्जेज आयनिक चार्जेज आर नॉट इक्वल बोथ साइड, पहली बात कि हम यहाँ पे ये लेते हैं बच्चों, जैसे ही हमने लिया यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, यहाँ हमने लिया SO3, ये बेटा Cr, ये बेटा हमने लिया ये SO4। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ बेटा हम लेते हैं यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस करेंगे 3SO3 है ना बेटा बच्चों 2 माइनस। अब बेटा यहाँ पे हम बैलेंस करना है यहाँ पे, तो हम पहले ये करते हैं इंडिकेशन 2Cr3 है ना बेटा, यहाँ पे 2Cr3 प्लस है, ये बच्चों क्या है 3SO4 2 माइनस के। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है कि एसिडिक मीडियम है तो आयनिक चार्जेस क्या करें, यहाँ पर नहीं बोथ साइड क्या हमें इक्वल होने चाहिए,
एंड 8 हाइड्रोजन्स हमें यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ बच्चों 8 हाइड्रोजन यहाँ लेंगे, ठीक है बेटा। तो हम क्या, अब क्या होता है बेटा, 8 हाइड्रोजन लेंगे तो इधर क्या करना होगा बच्चों, अब देखिए यहाँ Cr2O7 हो गया, 3SO3 हो गया, 8H हो गया बेटा यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे इस साइड में जो है हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है, ये तो इतने ले लिया 8 हाइड्रोजन, है ना बच्चों। तो इधर हमें लेना होगा, तो फाइनली काउंट करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। तो जब ये लेंगे तो हमें क्या करना होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी लेना होगा, 4H2 ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। अचीव द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, हमें बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो बच्चों यहाँ हमें लेना होगा 4H2। क्या लेना होगा बेटा, 4H2। तो चलिए इस स्टेप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Cr2O7 टू माइनस, ये बच्चों हो जाएगा 3SO3 टू माइनस, ये बच्चों हो जाएगा 8H+1, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 2Cr3+, ये बच्चों हो जाएगा 3SO4 टू माइनस। यहाँ बच्चों चूँकि 8 हाइड्रोजन इधर है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 4H2 लगा देंगे, है ना बेटा। तब जाके बेटा ये इक्वेशन क्या होगा बच्चों, ये पूरी तरह से बैलेंस होगा, है ना बेटा। तो ये बेटा हमने इसको बेटा इस क्वेश्चन को बैलेंस किया, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा देखिए एक बार इस क्वेश्चन करते हैं, ये बेटा हमने क्वेश्चन लिया बेटा, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सबके, फिर रिएक्शन बेटा क्योंकि एसटी मीडियम है। यहाँ बच्चों क्या कह रहे हैं, हमें चार्ज को बैलेंस करना है बेटा, हमने ये लगाया। और फिर जब चार्ज बैलेंस करते हैं बेटा 8 हाइड्रोजन आता है बच्चों लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बच्चों यहाँ पे ये राइट साइड में क्या होता है, बैलेंस नहीं होता, हाइड्रोजन होता नहीं है। तो बच्चों हमने 4H2 ले लिया, तो इस तरह से बेटा क्या हो गया, ये क्वेश्चन बेटा ये बैलेंस हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों हम फिर प्रॉब्लम बेटा करेंगे, ओके।